हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज अर्जुन और धर्म युद्ध की अंतिम कड़ी में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरा ब्लॉग विचार मंथन स्पीकिंग ट्री पर है, आप उसमें अर्जुन और धर्म युद्ध की सारी कड़ियाँ सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ। भगवान कहते हैं, इस संसार में जो बुरा है वो भी किसी अच्छे का पर्याय है। संसार में ये मृत्यु लोक है, अच्छा बुरा, रात दिन, अंधकार प्रकाश, सब एक दूसरे का पर्याय है। अंधकार है, अज्ञान है, तो कहीं वो बताता है कि कहीं तो ज्ञान है, तभी तो ये अज्ञान है। अज्ञान और हम अंधकार जैसे ही बोलते हैं वैसे ही पता चल जाता है कहीं प्रकाश विद्यमान है, कहीं उसकी उपस्थिति है। कीचड़ है तो कमल है, और सिंघाड़ा है तो कीचड़ है। तो क्या है ये कमल और सिंघाड़े का अस्तित्व है तो कीचड़ है, तो कीचड़ में ही ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं और होते हैं। हमें ये सोचकर आंख नहीं बंद कर लेनी है कि वो गलत है, हमें नहीं देखना है। आप अपनी इंद्रियों को मारिए मत। भगवान क्या कहते हैं और संत क्या कहते हैं, अपनी इंद्रियों को, बाह्य पांच इंद्रियां, आंतरिक पांच इंद्रियां, आप अपनी इंद्रियों को उलट करके अंदर में आप उसको ध्यान भजन सुमिरन करते हुए इस्तेमाल करिए। आप कुछ गलत देखते हैं तो आपका मन अभ्यास करता है, उसको बार बार याद करता है। तो नियंत्रण किसको करना है, मन को। इंद्रियों को मारने से या मन को मारने से कुछ खत्म नहीं हो जाता, जो जहां है वो वहां विद्यमान है। आपके आंख बंद कर लेने से वो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आप आंख बंद कर लेते हैं, भगवान कह रहे हैं आंख बंद कर लेने से तुम अच्छा कैसे देखोगे। इन्हीं नेत्रों को, जिन नेत्रों से तुमने कुछ बुरा देखा है, तो इन्हीं नेत्रों से अंतर में तुम्हें अच्छा देखना है, तभी तो तुम उस बुरे को अच्छा कर सकते हो। और मन का अभ्यास अच्छे में करना है। इन्हीं इंद्रियों से तुम्हें अंतर में ध्यान भजन करके उस परम परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब बुरा दिख गया तो आंख उधर से बंद करके आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको हटा नहीं रहे हो, उसका आप मन में अगर अभ्यास कर रहे हो वो गलत है। अपने मन को, इंद्रियों को इतना नियंत्रित करो कि वो आप देख करके भी आपके लिए अस्तित्व में रहे ही नहीं, वो अस्तित्व में है ही नहीं। बुरा आपके मन पर उसका कोई प्रभाव आए ही नहीं। जैसे अगर कुछ सुन लिया तो हमने सुना ही नहीं। जैसे आप लगातार सांस ले रहे हैं लेकिन आपको याद ही नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, वो एक क्रिया चलती जा रही है। इसी तरह से मन को इतना अभ्यास कर लो कि हरि नाम, हरि सुमिरन निरंतर चलता रहे। और यहां पर कुछ भी गलत आपको दिख रहा है, तामसिक दिख रहा है, कोई ऐसी घटना दिख रही है, कुछ हो रहा है, तो आपके मन पर उसका इतना प्रभाव ना हो कि आप उस तरफ चले जाओ। तो यानी आपको मन पर नियंत्रण नहीं है, मन का अभ्यास सही नहीं है। तो आप अच्छा कैसे सुनोगे अगर आपने बुरा को कान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली? नहीं, आपको अपना अभ्यास इंद्रियों का ऐसा करना है कि आप बुरा देख करके भी आपकी इंद्रियां उसको स्वीकार ना करें और उसको ग्रहण ना करें, उसको आत्मभूत ना करें, अपने अंदर पी ना लें उस घटना को, बल्कि उसको आत्मसात ना करें और केवल 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 जो पॉजिटिव है, जो सही है, जो हरि नाम है, पवित्र है, उसका ही अभ्यास रहे। मन और दिमाग पर इतना नियंत्रण होना चाहिए। भयभीत होने से आपका मार्ग नहीं निकलेगा।
आप भयभीत हो गए, नहीं ये रास्ता गलत है और यहाँ गलत हो जाएगा। भयभीत होकर संसार में आपको नहीं रहना है। जब आप अंतर में अभ्यास करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तो आपको मार्ग में अगर ईश्वर का मार्ग दिखता है तो एक तरफ मार्ग आपको तामसिकता का, इस संसार के गर्त का भी दिखाई देता है। लेकिन मन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि वो केवल ध्यान भजन आपको ईश्वर के मार्ग पर ही मन और बुद्धि प्रेरित होकर चलते रहें। ये संसार झंझट ना समझिए, इस संसार से ही आपको पोषण लेना है और आपको यहाँ से मुक्त होना है। यहाँ पर जो नियम है, बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना, उससे आपको छूटना है। कीचड़ में ही तो कमल और सिंघाड़े की खेती होती है। कमल को कभी उसके पूरे अस्तित्व के साथ अगर हम ध्यान से देखें तो उसके मूल में, जहां उसकी मूल जड़ होती है, वो बहुत अंदर कहीं उलझी हुई इतनी जड़ें होती हैं कमल की, जिनमें अनेकों छिद्र होते हैं, उनमें भी कीचड़ भर जाती है, लेकिन जहां से वो जुड़ी रहती है वहां से अंदर कीचड़ नहीं भरती। उन अनेकों सहस्त्रों जड़ों के बीच में कहीं मूल जड़ खो गई होती है, अंधकार में अंदर, जो नजर भी नहीं आती, मिलती भी नहीं। और कमल की जो जड़ें हैं वो छोटे छोटे छिद्रों से बनी होती हैं, उनमें कीचड़ जल सब भर जाता है, लेकिन कमल उससे पोषण लेता है, उसी से पोषण लेता है, लेकिन कीचड़ को अपने अंदर नहीं लेता। आप कमल की डंडी देखिए, वो बिल्कुल खोखली होती है, उसमें केवल जल भरा होता है, जो कमल को पूरा तरोताजा सुंदर रखता है, खिला के रखता है, पल्लवित करके रखता है। इसी तरह संसार में हमको रहना है। हमारा मूल अंतर में गड़ा हुआ है, जैसे गर्भोदक शाही विष्णु की जो रचना है, जो यहाँ नियम है, वो हमें यही बताता है। गर्भ से उत्पन्न होने का नियम, गर्भोदक शाही विष्णु का कभी आप स्वरूप ध्यान से देखिए तो उनके नाभि कमल से एक लंबी कमल की नाल निकली है, जिस पर कहीं ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा विराजमान है, जिन्होंने मानसिक सृष्टि करी है। तो गर्भ से उत्पन्न सृष्टि कमल की है ना, तो वही अस्तित्व है जीव का। पाताल की भूमि जो अंदर से, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब खुदाई हुई है, अंदर देखा गया है, तो शेष नाग जैसा वहां पर सारी चट्टाने अंदर बनी हुई हैं पाताल में, धरती के नीचे ऐसा लगता है जैसे शेष नाग के फन हो, उसकी संरचना ही ऐसी है। नीचे अनेकों वलय हैं उसके अंतर में, सतह में, और क्षीर सागर यानी दूध का सागर, दूध जो उज्जवल है, निर्मल है, पवित्र है, मीठा है, खारा नहीं है, ऐसा होता है हमारा जो मातृत्व है, मातृ शक्ति का उदर, मातृ शक्ति होती है दुग्ध के समान श्वेत निर्मल उज्जवल, और वहीं भगवान विष्णु गर्भोदक शाही विष्णु शयन कर रहे हैं। तो ये हमारी भावनाएं होनी चाहिए, निर्मल उज्जवल दूध के समान, पवित्र शुद्ध श्वेत मीठी, जिनमें जरा भी कड़वाहट नहीं हो, खारापन नहीं हो। तो ऐसी भावनाएं तभी होंगी जब मन स्वस्थ होगा। मन का स्वास्थ्य खराब मत करिए, मन का स्वास्थ्य शुद्ध होना चाहिए। मन का स्वास्थ्य खराब होता है
तामसिकता से। ऐसा अभ्यास मन बार बार अगर करेगा, सोचेगा, उससे मन को रोकना है। कैसे रोकना है? जैसे हम जो अभ्यास करते रहते हैं वो हमें रट जाता है, स्वतः होने लगता है। तो मन को नियंत्रित करना है, हमारे उदर के अंधकार में, गहराई में अनेकों अच्छी बुरी वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो छुपचाई हैं हमने, हम पचा लेते हैं अंदर। तीनों ताप, तीनों गुण, सबकी कीचड़ भरी हुई है और सबको हम अंदर उदर में पचा लेते हैं, छुपा लेते हैं गहराई में। और ऐसा नहीं है ये उदर में है, ये उदर से जो नाल पोषण जा रहा है, रास्ता, वो जा रहा है मानसिक सृष्टि में, जहां हमारे ज्ञान के ब्रह्मा विराजमान है। और इसी पोषण से यहाँ सृष्टि होती है, मन का अभ्यास होता है, और जो अभ्यास होगा वही सृष्टि मानसिक रूप से आप करते जाएंगे। मानसिक सृष्टि होती रहेगी, वह ऊर्जा स्वरूप लेती रहेगी, चाहे वो नकारात्मक हो जाए और चाहे वो सकारात्मक हो जाए। इसलिए कमल ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान के ऊपर ब्रह्मा विराजमान है, कमल के ऊपर ब्रह्मा विराजमान है। पोषण लें और ज्ञान को विकसित करें, और उस ज्ञान से जो विकास होगा वो शुद्ध होगा। पोषण हमें विष्णु से ही मिल रहा है। इस संसार को जो पाल रहा है उसको, उससे हमको पोषण मिल रहा है, इस संसार से हमको पोषण मिल रहा है। और हमको अपनी जो कुंडलिनी है उसके जरिए हमको जो मस्तिष्क तक, हमारे मन तक जो भाव चढ़ते हैं उनको नियंत्रित करना है। और अगर वो नियंत्रित नहीं हो रहे तो हमें प्रार्थना करनी है, उतना ध्यान लगा करके हरि में, गुरु में, चरणों में बैठना है, शरण में बैठना है, ध्यान लगाना है और प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है वो केंद्रित हो बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा की तरफ, दाएं बाएं ना भटके। शरीर का निम्न भाग जो है, गुदा वाला भाग, इंद्री वाला भाग, वो तामसिकता का, ऊर्जा का स्रोत है। उसकी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, और संसार की तामसिकता में लगाने की बजाय उस ऊर्जा को उपयोग में लगाएं, ध्यान, भजन, सुमिरन में। तब देखें कितनी ऊर्जा का प्रबल स्रोत आपके अंदर उत्पन्न होता है। हम संसार में उस ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, तामसिकता में, उन विषय वासनाओं को सोचने में, उस कार्य को करने में, उसमें ये ऊर्जा व्यर्थ होती जाती है। और इन्हीं गुणों के द्वारा जीव जो है वो प्राप्त करता है अपना स्थान। मानसिक रूप से उसको कौन सा स्थान प्राप्त होता है, कितना वो निम्न जाता है, कितना मध्य जाता है, कितना वो उच्चतम जा सकता है। सिंघाड़े की खेती भी देखिए कीचड़ में होती है, लेकिन उसके ऊपर कितना कांटे वाला सख्त कवच होता है कि वो अंदर शुद्ध दूध जैसा मीठा फल सुरक्षित रहता है, उतनी कीचड़ में भी, और जरा सा भी गंदा नहीं होता। फिर उसको जाल से निकाला जाता है कीचड़ में से, और उसको फिर शुद्ध पानी से धोया जाता है उस कीचड़ को, और उसको काटने में तेज औजार की जरूरत पड़ती है, जिससे ऊपर का छिलका काटा जाता है और अंदर से दूध के समान स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे ऊपर कुदरत ने
अंदर कोमल आत्मा के ऊपर कवच चढ़ाया है। उस कवच के ऊपर संसार की मिट्टी चढ़ी है, जिससे वो फल पक गया, बन गया और अंदर मीठा भी हो गया और उसको प्रभु का दर्शन होना है, आनंद आना है, तो उसको कीचड़ से ही पोषण प्राप्त होना है, मीठा तभी वो होगा। तो हमें इस संसार की निम्नता से सीखना है, पोषण लेकर के हमें उस निम्नता में नहीं जाना है, नहीं तो हमारी आत्मा की मिठास खत्म हो जाएगी, हमारे आत्मा का स्वरूप विनाश हो जाएगा। आत्मा पिंजड़े में बंद है मन के, और उस मन के पिंजड़े से आत्मा को मुक्त तभी हो कर सकते हैं जब मन को हम नियंत्रण करेंगे। मन के नियंत्रण से आत्मा को मुक्त रखना है। तो इसी तरह से हमें इन कठिन राहों पर चलना है और सुरक्षित रखना है अपनी आत्मा को, अंतर निर्मल रखना है। आत्मा अविनाशी तत्व है, कोमल है, मधुर है, लेकिन क्या इसी तरह आप समझ सकते हैं कि हवा तो निरंतर चलती रहती है, हवा निरंतर चल रही है, लेकिन वो कहां से आ रही है? अगर वो गुलाब के उद्यान से आ रही तो गुलाबों की खुशबू लेकर आएगी, लेकिन अगर वो कहीं गंदगी से आ रही है तो वहीं बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। इसी तरह ये आत्मा निरंतर इस संसार से पोषण आत्मसात कर रही है। अब हमें देखना है कि हमारी आत्मा से दुर्गंध आनी है या सुगंध आनी है। वो अविनाशी तत्व है, आनंद स्वरूप है, उस प्रभु का स्वरूप है। तो हमको आत्मा को इस संसार से विलग रखना है, कमल की भांति पोषण लेते हुए भी कीचड़ से उसको अलग रखना है, पल्लवित रखना है, और सृष्टि भी हमको कमल के समान उत्तम पवित्र करनी है, जिससे इस मंडल से मुक्त होकर अनेका अनेक मंडलों में ऊपर की तरफ हमें यात्रा करनी है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छूट जाना है। हमें अपने विचार भावों पर नियंत्रण रखना है। निरंतर ये काम इंद्रियों द्वारा हो रहा है, हमें इंद्रियों को अभ्यास कराना है, हमें ये अभ्यास इंद्रियों को कराना है कि इंद्रियां केवल हरि नाम आत्मसात करें और केवल उसी के लिए कार्य करें। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस दिन अर्जुन तू सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, जिस दिन तू इस इच्छा से भी मुक्त हो जाएगा कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, उस दिन तू पूर्ण तत्व को प्राप्त करेगा। इतनी भी तृष्णा हमें अंदर से हटा देनी है, तब हमारी आत्मा इतनी हल्की हो जाएगी। बोझ तो केवल तृष्णाओं का है, स्थूलता तो केवल तृष्णाओं की है, इच्छाओं की है, बाकी तो जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में केवल तृष्णाओं का ही बोझ लेकर हम जीते हैं, जिससे हमको मुक्त हो जाना है। इन तृष्णाओं के चलते हम कितना सामान विषय वासनाओं के चलते इकट्ठा कर लेते हैं, अपने साथ कितना कुछ समेट लेते हैं और लेकर हमें कुछ भी नहीं जाना है, और इन्हीं तृष्णाओं से बंद करके हम दोबारा इसी कीचड़ में जन्म लेते रहते हैं और अंदर दलदल में फंसते जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मुक्त होना है, केवल ध्यान भजन सुमिरन का अभ्यास करना है, अभ्यास करना है और अभ्यास करना है। ये अभ्यास करना है कि हमारा मन केवल हरि चिंतन में रहे और गुरु की शरण में रह करके गुरु ताड़ मार फटकारें, कुछ भी कहें, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिल्कुल विलग रहना है,
हमें लिप्त नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अर्जुन और धर्मयुद्ध की अपनी कड़ियाँ आप समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे अपने लिखे हुए संस्मरण और काफ़ी जो मैंने लेख लिखे हैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप विचार मंथन पर विजिट करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।